मेरा जूती उतारो। बात तो ऐसे ही है। और इसके अलावा मैं आपको कौन सी मिसाल दूं? तवज्जो रखना, जुम्मे के दिन कोई कहेगा अजान दो है, कोई कहता है अजान एक है। हजरत उस्मान गनी का फैसला, अन्नत ताजीन सानिया यौमल जुमा अमर अभी उस्मानो ही न कसर अहलुल मस्जिद, सही मुस्लिम में है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इख्तलाफ हो जाए खलीफे राशिद का फैसला मान लेना। रमजान आ रहा है, किसी ने कहने तरावी 8 है, किसी ने कहने तरावी 20 है। मैं खुदा की कसम उठा के कह रहा हूँ तरावी 20 है, और 20 रकात तरावी खुद अल्लाह के नबी ने पढ़ी है। हदीस मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में मौजूद है, हदीस तारीख जुर्जान में मौजूद है, सहाबा ने 20 पढ़ी है, हजरत जामे तिर्मिजी में मौजूद है, सहाबा ने 20 पढ़ी है, मुस्नदुल इमाम ज़ैद में मौजूद है। जो तुम्हें कहते 8 है, खुदा की कसम वो झूठ बोलता है। मेरे पैगंबर की तरावी सुन्नत 20 है। कितनी तरावी सुन्नत है? 20 तरावी सुन्नत है। फैसला हज़रत अली ने दिया, मुस्नदुल इमाम ज़ैद इमाम ज़ैनुल आबिदीन बता कितनी बेहतरीन सनद है। मुस्नदुल इमाम ज़ैद ज़ैद बिन अली बिन हुसैन बिन अली सारे आले बैत के रावी हैं, दरम्यान में कोई रावी भी नहीं है। अगर आले बैत को मानता है तो 20 रकात रावी क्यों नहीं मानता? फिर कह दे जो 20 रकात नहीं मानता वो नबी का भी दुश्मन है, सहाबा का भी दुश्मन है, आले बैत का भी दुश्मन है। जो बंद वाले नबुव्वत को भी मानते हैं, सहाबा को भी मानते हैं, आले बैत को भी मानते हैं, तरावी भी 20 मानते हैं। मुसनदुल इमाम ज़ैद किताब का नाम याद रख लो, मुसनदुल इमाम ज़ैद किताब का नाम है। हज़रत अली का फैसला तरावी।